গঙ্গাসাগর মেলায় বিজেপি মিছিল করলে দায়িত্ব নিতে হবে নিজেদেরকে, এই হুঁশিয়ারি দেওয়ার একদিন পরেই পাল্টা প্রতিবাদী মিছিল করে বিজেপি। বৃহস্পতিবার বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার মিছিল সমাবেশ হয় ধর্মতলায়। এদিনেই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায়ের মতন নেতৃত্বরা। তাদের দাবি, গঙ্গাসাগর মেলার নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলার রক্ষার কথা বলে প্রথমে রাজ্য মিছিলের অনুমতি দেননি, কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের আপত্তি খারিজ করে মিছিলে সম্মতি দেয়। তবে আদালত জানিয়ে দিয়েছে, 11 থেকে 18 তারিখ পর্যন্ত ওই যাত্রার সময় মিছিলের আয়োজক ও অংশগ্রহণকারীদের রাজ্য পুলিশের ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে। পুলিশ প্রয়োজনে ওই আইন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যুব মোর্চার মিছিলের জন্য গঙ্গাসাগর যাত্রীদের কোনো অসুবিধে হলে বিজেপি সেই জন্য দায়ী হবে। এবং এই ঘটনার পরদিনই আটঘাট বেঁধে নেমে পড়ে বিজেপির নেতৃত্বরা। धर्म की राजनीति और धर्म को बांटने का जो अंदर अंदर खुफिया राज चला जा रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी सरकार में कोई इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी 2019 और 20 और 21 में यह साबित होगा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है और वह साबित करके रहेगी। हम सब यह साबित करा के रहेंगे कि यह जो राजनीति चली जा रही है पैसे की, यह जो राजनीति चली जा रही है शाहदा नारदा और रोज वैली की, इन चीजों को भी हम लोग दिखाएंगे कि किस तरीके से पैसे की लूट मार चल रही है, किस तरीके से थाना को मुट्ठी में रख करके काम किया जा रहा है। थाना किसी का सुनता ही नहीं है। एक वार्ड प्रेसिडेंट अगर थाना में चला जाए तो उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है, पर शर्त यह है कि एक आईएनजी भी थाना में चला जाए उसको अहमियत नहीं मिलती है। तो ऐसे थाना को सुधारने की जरूरत है। ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ, এই দেশ যদি আপনি ভাবেন, এই দেশে যদি আপনাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ভাবতে হয়, এই দেশে যদি আপনাকে মনে করতে হয় যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস, তাহলে নিশ্চিত করে আপনারা যেমন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কথা বলবেন, যেমন নেতাজি সুভাষ বোসের কথা বলবেন, যেমন মহাত্মা গান্ধীর কথা বলবেন, তেমনি আপনাকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কথাও বলতে হবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। कितना सफल रहा आपका ये मुस्लिम सम्मेलन और क्या लगता है इसके बाद मुस्लिम बीजेपी से भाजपा से जुड़ना चाहिए? देखिए, माइनॉरिटी मोर्चा का आज यहाँ सम्मेलन था, पहले बार हम लोग खुले में इस प्रकार आयोजन किया। हर जिला में हम लोग हॉल में प्रोग्राम करते थे, तो पार्टी छोटा है, सम्मेलन छोटा है, कल बड़ा हो जाएगा। लेकिन आज जो रुझान है यहाँ, आज तक जो माइनॉरिटी सोसाइटी वो अपने को बीजेपी से दूर रखता था, उनको गुमराह किया जाता था, डराया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वातावरण बदल रहा है। आज हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के जो नेता हैं यहाँ प्रदेश के, वो बाकी किसी मोर्चा से सबसे शिक्षित, मुझे लगता है किसी भी पार्टी में जुड़े हुए जो नेता उनसे शिक्षित है। तो आज ये एक रुझान है, अब धीरे धीरे लोग आएंगे, भाई का वातावरण है वो दूर हो रहा है। आगे देखिएगा, देश भर में जैसे माइनॉरिटी हमारे से जुड़े हैं, बंगाल में वैसे जुड़ेंगे। সমীর পাল এবং বিশ্ব অধিকারীর রিপোর্ট, 24 আওয়ার্স টিভি।